हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है कॉसलेस और आप देख रहे हैं एडिट गुरु। एडिट गुरु के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे कि इंडिया वर्सेस चाइना स्टार्ट हो गया है। अटैक पैटैक हम पे चाइना किए जा रहा है। लैंड के द्वारा तो कर ही रहा है और एयरवेज के द्वारा भी तो कर ही रहा है, बट अब इसने साइबर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ रोज पहले हमारे इंडिया के ऊपर पूरे 40,000 साइबर अटैक चाइना ने करने की कोशिश की है। 40,000 पीपल्स के डाटा को चोरी करने का कोशिश किया है। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे खुद फोन पे एक मैसेज आया था, जो कि हर आप पे भी शायद आया हो। उसमें लिखा हुआ था कि आपके आप बैंक अकाउंट को 40,000 रुपीज क्रेडिटेड किया जा रहा है और आप अपने बैंक डिटेल को मुझे सेंड करें इस लिंक पे क्लिक करके। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरे नहीं, आप सबों पे भी आ रहा है। तो मैं इस मैसेज और जो साइबर अटैक हो रहा है चाइना के द्वारा, मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये साइबर अटैक चाइना इसलिए कर रहा है ताकि हमारे पर्सनल डाटा को वो चुरा सके। तो फ्रेंड्स, इस डाटा को हम कैसे बचाएं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वो मैसेज आ रहा है जिसमें वो लिंक दिया जा रहा है, जिसपे आपको बोला जा रहा है कि आप क्लिक कीजिए और आपको इतना डिपॉजिट आपके बैंक में हो जाएगा, मींस कि आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा 40,000, 50,000, 20 लाख, जो भी अमाउंट बताया जा रहा है वो झूठ है। वो आपके बैंक अकाउंट को डिटेल को लेने के लिए है और आपके बैलेंस को चोरी करने के लिए। फ्रेंड्स, उस लिंक पे कभी भूल के भी क्लिक ना करें, या कभी कॉल भी आता है तो आप उसे रिसीव ना करें, और रिसीव करें तो उसे डिटेल ना दें। फ्रेंड्स, ये तो हुआ फोन और मैसेजेस के द्वारा, बट अब कुछ चाइना अब अपने एप्लीकेशंस के द्वारा भी कर रहा है। जैसे बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन है, आपको तो पहले से पता ही होगा, जैसे हमारे ये टिकटॉक जो काफी हमारे इंडिया में फेमस है, जो कि चाइना ही का है, और अदर भी एप्स हैं। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा और उस ऐप के लिंक और फोटो भी दिखा दूंगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, उन सब ऐप को आप यूज करना बंद कर दें। आपके वो पर्सनल डाटा को रिस्टोर कर लेता है और आपके डाटा को स्टोर करके कोई गलत वर्क में यूज करता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट का डिटेल लेना और भी अदर चीज हो सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया के भी प्राइवेसी को लूज करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐप को अपने फोन से आज से ही अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि अब चाइना वर्सेस इंडिया तो अटैक चालू हो ही गया है। तो चाइना सोच रहा है कि साइबर वर्क के भी द्वारा हम इंडिया पे अटैक कर सके। ये साइबर वर्क भी एक तरह का अटैक ही है फ्रेंड्स। तो प्लीज इन एप्लीकेशंस को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें और इंडिया को सपोर्ट करें, इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और इंडियन एप्लीकेशन या विदाउट जो चाइना एप्लीकेशन है, जो चाइना का एप्लीकेशन नहीं है, उससे ही यूज करें। चाइना एप्लीकेशन को नहीं यूज करें, क्योंकि अक्सर ये कंट्री करती है साइबर अटैक। जब किसी एक दूसरे कंट्री में अटैक चालू होता है या वार चालू होता है, तो वो दूसरी कंट्री उस अटैक को जीतने के लिए ये साइबर अटैक करती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यही था कि आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखें और कैसे मेंटेन रखें, बस यही था। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी अपने सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।